फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे, फिर से 5 मिनट लीजिए, लेकिन उसके बाद 2 गो सवाल हम पूछेंगे आपसे, सिर्फ 2 गो, अब फिर से 5 मिनट ना सवाल पूछे भैया। हम जनता का सवाल था, आप बीजेपी क्यों ज्वाइन किए, आप जो जनता, ठीक है हम जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, सब तो जवाब दे दिए, अब दे दिए 2 गो सवाल का जवाब दो आप हमारा, 2 गो सवाल। 1997 से लेकर 2000 तक बिहार का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? जनता जी लोग सवाल का जवाब दीजिए आप दो, नहीं जनता देगी, हम जनता के जब सवाल पूछे तो जनता ही देगी ना भैया, कुछ जानकारी लेके आओ नहीं तब अच्छा रहेगा। मेरा मानना है कि जब हम जनता का सवाल पूछ रहे हैं तो जनता ही आपको जवाब देगी, कमेंट बॉक्स में अप्रूवल डाल दो। आपको कुछ जानकारी नहीं है, थोड़ा जनरल नॉलेज का किताब पढ़ा कीजिए। राबड़ी देवी जी बिहार की फाइनेंस मिनिस्टर थी, जिनको फाइनेंस मिनिस्टर लिखने तक नहीं आता था, जिनको फाइनेंस मिनिस्टर लिखने तक नहीं आता था, ठीक है। तो ये सारी जानकारी लेके आइए, देखिए पॉजिटिव निगेटिव हर चीज होना चाहिए, लेकिन जनता का सवाल अगर 5 है तो 5 में से कुछ मेरे तरफ से भी सवाल होगा ना, आके लगे उंगली करने ऐसे ऐसे। अच्छा आप भाजपा से हैं और आरजेडी का दावा है, महागठबंधन का दावा है, इंडिया अलायंस का, कि यहाँ से 40 की 40 सीटें जो है बिहार से निकाल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? एकदम आरजेडी का दावा एकदम सही है कि 40 में से 40 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए गठबंधन जो है बिहार से जीतने वाली है। आरजेडी का दावा एकदम सही है, एनडीए गठबंधन 40 में से 40 सीटें जीतेगी। चारों तरफ जो है तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप हाथ छाप, क्या कुछ कहना चाहिए? चुपचाप कमल छाप, चुपचाप तीर छाप, चुपचाप कमल छाप, चुपचाप तीर छाप, हाँ क्या बिहार में 40 सीट पार हो जाएगा? पार नहीं, 40 गो है, 400 पार। बिहार में पिछली बार 39 सीट भाजपा लाई थी, क्या इस बार जो है 40 लेके जाएगी, क्या कुछ कहना चाहिएगा? अरे एकदम मतलब की 39+ रहेंगे हम, 39+ जो भी एक छोटा है वो हमारे पार्टी में नहीं ना है तो नहीं जा सकते हम। क्या इस बार मनीष कश्यप जी भाजपा में शामिल हुए तो क्या बिहार के सीट में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी? अरे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, सब लोग काम करेंगे। अरे वो बहुत मेरे छूटल बा, आप तो बोले थे आखिरी दम तक हम नहीं चाहेंगे कि पवन सिंह के खिलाफ प्रचार में उतरे चाहे जो कुछ भी हो। हम बस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भाजपा जहां भेजेगी वहां जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। अभी कहां है? अभी है कहां? पटना है ना? जमानत पे है किनका? अमित केजरीवाल। क्या इस बार 400 पार होगा? बहुत सारे लोग नारा लगा रहे हैं कि इस बार 400 पार, क्या कुछ कहना चाहिए इससे? अब गड़िया किधर है? गड़िया अभी मानता है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं मानता, अभी वो मानता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि लोकप्रियता घट गई है मनीष कश्यप की, इस पे क्या कुछ करना चाहिए? कौन थर्मामीटर है आपके पास नापने वाला? 6 बजे कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कॉल पे देखा जा रहा है, कुछ लोगों का ये भी सुनिए, देखा जाए भैया, बिल्कुल सुनिए, कुछ लोगों का ये भी कहना है, आप निकालिए फेसबुक और खोलिए, कुछ लोगों का ये भी कहना है मनीष कश्यप बहुत बढ़िया, जय हिंद, ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए जी। बहुत सारे लोग जो है भाजपा में शामिल होने के बाद जो है, दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? भाजपा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? उस पार्टी में शामिल हुआ हूँ, क्या दिक्कत है आपको? काहे पेट में दिक्कत हो गया? अरे हमको दिक्कत नहीं है। हाँ तो बस का सवाल, जय श्री राम, जय श्री राम। और डेवलपमेंट पे भारत का विकास दर कितना है अभी? भारत का विकास दर कितना है अब? हम आप देखिए, हम जितना सीधा दिखता है ना, एक मिनट ठीक है ना, काटिएगा मत, नहीं काटे। भारत का विकास दर कितना है? वो छोड़िए, बिहार का विकास दर जानता का सवाल, ठीक है जानता का सवाल, सुनो पूछे, थेथरा ही नहीं, हम सुनो आपसे थेथरा ही, 2 गो सवाल तुम पूछो, 2 गो सवाल का जवाब हम दे रहे हैं, हम पूछ रहे पूछ लिए ना, 3-4 गो सवाल पूछ लिए ना, उंगली खूब करोगे ना तो कभी कभी हमारा भी मूड जो है भड़क जाएगा। बिहार का विकास दर कितना है? ह्यूमन इंडेक्स क्या होता है? भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? आप भड़क गए। हम भड़क नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया है, आप पत्रकार है तो आपको जानकारी होना चाहिए ना, छोटा छोटा सवाल पूछ रहे हैं। बिहार का गृह मंत्री कौन है? आप कहीं ना कहीं गुस्सा में, हाँ एकदम बिल्कुल गुस्सा में रहेंगे, आप हमको गुस्सा दिलाएगा तो हम बिहार का गृह मंत्री, लेकिन जो जनता बिहार सवाल पूछ रही है एकदम पूछिए, कई गो सवाल पूछिएगा जनता का, हमारा फ्लाइट लेट हो रहा है, हम जवाब देके जाएंगे, हम भागने वाले लोगों में, नहीं जाएंगे नहीं, ना इलॉजिकली बात, जनता का सवाल 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट सुनो, ये घड़ी देखो, 6 बजे नहीं का टाइम, आपका 5 मिनट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ?
तो आप ही आपका आ, हुआ कि नहीं आपसे बात करने के लिए आपका हुआ कि नहीं पाँच मिनट अरे पाँच मिनट समय हुआ कि नहीं बहुत सारा सवाल है ठीक है लेकिन 400 पार हम लोगों का हो रहा है 400 पार क्या नाम है भैया बताइए मेरा नाम अली है और देखिए मैं पटना का रहने वाला अली जी किसके साथ है मोदी जी के साथ आज से थोड़ी है बहुत दिन से मोदी जी के साथ बहुत साल से मोदी जी हिंदू हो या मुसलमान बीजेपी जिसे देश का विकास पसंद है वो मोदी जी के साथ है और ये अली भाई है आज से नहीं है बहुत पहले से है बहुत दिन से सेवा सेवा देखिए ये अली भाई को जो है मनीष भैया एकदम बिल्कुल बताइए भगवान गमछा पहन के कैसा महसूस कर रहे हैं आप जय श्री राम ये अली भाई है और अली भाई को अपने गांव में जो है रोड चाहिए अली भाई को जो है अपने गांव में जो है बिजली चाहिए अली भाई को जो है अपने यहां का स्वास्थ्य व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था सही चाहिए इसलिए अली भाई जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है इससे स्वच्छ पार्टी अभी हिंदुस्तान में है ही नहीं और ना अभी आने वाले 20 साल में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गया भाजपा के सरकार इसके रीजन में महंगाई नहीं हम जवाब दे रहे हैं कभी आप स्टडी किए 2004 से 14 के बीच में पेट्रोल डीजल का कितना दाम बढ़ा है और 2014 से 24 के बीच में कितना बढ़ा है कांग्रेस के समय में महंगाई ज्यादा बढ़ी थी आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था इसलिए भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर पे थी और मोदी जी ने कंट्रोल किया इसलिए 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लेके आए हैं बहुत सारे लोग सिलेंडर का जो है कह रहे हैं कि 1100-1200 का सिलेंडर हो गया जो 400-300 में 700 रुपये में मिल रहा है भाई और उसमें भी सब्सिडी मिल रहा है 700 रुपया में और कांग्रेस 450 में भी कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस समय जो है 450 में छोड़ के गई थी ठीक है और कांग्रेस की जब सरकार बनी थी तो 200 रुपया सिलेंडर का दाम था तो 200 से 450 लेके गई थी परसेंटेज अगर डेवलप थी महंगाई देखे तो कांग्रेस के समय में ज्यादा था भाजपा के समय में कम है भाजपा के समय में 70% से कम 10 साल में सिलेंडर का दाम बढ़ा है और कांग्रेस के समय में जो है 150% से ज्यादा सरेंडर का दाम बढ़ा है अच्छा बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था कौन सी का काम करते हैं क्या काम करते हैं काम तो सोशल मीडिया का करते हैं सोशल मीडिया कांग्रेस के समय में मैकुआ उठाए नहीं 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 उठाए ये जियो का डेटा जो है इतना सस्ता मोदी के सरकार में हुआ और डेटा इतना सस्ता हुआ आप लोग मोबाइल उठाए और आज मोबाइल के दम पे जो है माइक के दम पे जो है फोर व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं फ्लैट मेंटेन कर रहे हैं और अच्छा सोसाइटी मेंटेन कर रहे हैं तो मोदी जी का देन है समझे ना तो शिक्षा स्वास्थ्य पे चर्चा एकदम बिल्कुल शिक्षा स्वास्थ्य पे चर्चा किया जाएगा और शिक्षा और स्वास्थ्य बिहार का दुरुस्त होना चाहिए और उस पे काम होना चाहिए एकदम 100% इसी तरह 5 महीना मांगे स्वास्थ्य के लिए बिहार के लिए करते रहेंगे काम तो चालू ही है भाई करना है हम जो है जवाब देंगे बिहार जवाब देंगे नहीं नहीं जिस दिन हमको जो है सिस्टम में हम आ जाएंगे